A special CBI court today sentenced all the 17 Uttarakhand cops accused in 2009 Ranveer fake encounter case to life imprisonment. Earlier, a Delhi court convicted 18 Uttarakhand police personnel, including 7 on charge of murder. Unsatisfied with the verdict, SP Singh Rathod, the defence lawyer, termed the verdict as a media trial and said they'll go to the High Court to file a review petition. मैंने इनकी 11 आदमियों की बेल लगाई थी, मैंने ये केस पूरी तरह से स्टडी करा। इस केस में हमारे खिलाफ कोई भी एक भी सबूत नहीं है और तब भी हमें सजा कर दी गई है। हम इसलिए हाई कोर्ट में जाएंगे और इसका जो है वो करेंगे। ये केस जो है मीडिया ट्रायल हो गया है, मीडिया के दबाव में आकर के इन्होंने जो है जजमेंट दिया है। इसमें जो है उन्होंने उम्र कैद कर दी है। मीनवाइल द विक्टिम्स लॉयर बाय नेमिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट हैज टर्म्ड इट एज अ मर्डर। मेन तो यही था कि उसको पहले अरेस्ट कर लिया था तो उसके बाद इनकाउंटर का तो कोई मतलब ही नहीं था, वो मर्डर ही हो सकता था। और क्या पॉइंट थी सर इसमें? मेन बात यही थी, फिर बाकी जो उसके आधार पे जो बाकी चीज़ें पता चली, जैसे उसका लाइसेंस वहाँ है और उसको अननोन के उसमें आप बॉडी डाल रहे हो, जहाँ वो ठहरा हुआ था वहाँ फटाफट कैसे पहुँच सकते हो अगर वो आपके पास अरेस्टेड नहीं है। फिर उसके अरेस्ट को आप छुपाने के लिए एक पुलिस वाले को शो कर रहे हो कि हमने इसको अरेस्ट किया था, ये सब चीजें जाती हैं कि ये जानबूझ के किया गया। On the other hand, Ranveer's father also unhappy with the order, demanded death penalty for all the accused. कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इसको हम क्या खोल सकते हैं, ये तो अपने हिसाब से उन्होंने अपना फैसला सुनाया, अपनी तरफ से ये ठीक ही है इनका, ठीक है। बाकी मैं अभी इससे वैसे संतुष्ट नहीं हूँ पूरी तरह से, क्योंकि जो मैं चाह रहा था कि कम से कम इसमें डेथ पेनल्टी होनी चाहिए वो नहीं हुई है। हम फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है, खुश नहीं है। जुर्माना भी इस पे लगाया गया, तो जुर्माना भी आपको मिलेगा। अरे मेरे मत मिलो, डोंट केयर फॉर जुर्माना। यार जुर्माना तो मैं अपनी जमीन बेच कर दे सकता हूँ, मेरा लड़का वापस ला दो, ये करो, ऐसे जुर्माने से लड़का पूरा हो रहा था। पावर्ड बाय NNIS।